वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितना भी हमारा मीडिया फ्रेंड्स है, आप लोग ने शॉर्ट नोटिस में आया हमारा रीमिंग पुलिस स्टेशन में। और आज का मेन विषय आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि 28 जो जुलाई 2024 यानी कि 3 दिन 4 दिन पहले हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आया कि कंप्लेनेंट का कहना था कि दो अननोन बंदा यूटेंशियल साफ करता हो के घर घर में जाके यूटेंशियल साफ कर रहा था। तो जो कंप्लेनेंट का घर में आया तो जब कंप्लेनेंट ने देखा कि जो बर्तन है जो पुराना जो बिल्कुल साफ नहीं वाला बर्तन को भी बहुत बारीकी से उन्होंने डिस्प्ले करके साफ किया तो काफी ये कंप्लेनेंट को इम्प्रेस लगा। बातों बातों में ये कंप्लेनेंट को ये दोनों अननोन जो वेंडर्स है वो कहा कि आपका पास में गोल्ड चेन या सोना का चेन जो भी है उसको भी बहुत बारीकी से वो साफ कर दे पाएगा, उसको साफ करके आपको नया एकदम नया रूप में फिर दोबारा आपको दे सकता है। तो बर्तन का जिस तरीका से साफ किया उसको देख के उन्होंने विश्वास में आके अपना जो गोल्ड चेन को उनको सौंपा और उनको साफ करने का दिया। जब साफ करने का बाद ये दोनों बंदा ने एक पाउडर जो टर्मरिक पाउडर है उसके अंदर में गोल्ड चेन को डाला और कंप्लेनेंट को कहा कि आप 1 घंटा का बाद इसको सिर्फ खोलना है। और उसका उसका नंबर देके वो दोनों अननोन पर्सन दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। जब 1 घंटा का बाद जो कंप्लेनेंट ने जब उसको गोल्ड चेन को खोला उसको हाथ में उठाया तो देखा है तो उसका वेट काफी लूज हो गया। तो उनको भी आश्चर्य लगा ये क्या हो गया। इमीडिएटली जो कंप्लेन है उसको लेके नाहरलगन ज्वेलरी जो शॉप में गया वहां उसको नापा थोला नाप तोल किया तो पहले 10 ग्राम का था मान लो तो बाद में पाया गया उसमें 5 ग्राम का। तो 5 ग्राम तो उड़ा के ले गया। तब जो कंप्लेनेंट है वो इमीडिएटली हमारा डोईमुख पुलिस स्टेशन में आया, रिपोर्ट किया, कंप्लेन दर्ज किया, हमने अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया 77/24 अंडर सेक्शन 305/314/112/3 अंडर ब्रैकेट 5 अंडर द BNSS एक्ट का तहत हमने केस को रजिस्टर किया। और इस केस को हमारा जो SDPO हमारा ओशी साहब उनके टीम एक बारीकी से सुपरवाइज करके हमने इस केस को परस्यू किया। और इस केस में एक हमारा जो कंप्लेनेंट का जो रिलेटिव्स है उनका नाम मैं लेना चाहूंगा ग्यामर भारत, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, बहुत कॉपरेट किया। और जिस तरीका से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोसीड किया पता चला कि हम लोग को उनका लोकेशन को हम लोग पता चला कि वो लोअर सियांग यानी कि लिका वैली एरिया में वहां फिर इसी तरीका से वहां लोगों को डिसीव करने के लिए वो वहां चला गया। तो हमारा टीम जैसे खबर मिला रिसोर्स हमारा सोर्स द्वारा हमारा टीम यहां से गया और उन दोनों को लिकावली लोअर सियांग से अप्रीहेंड करके हमारा टीम ने कल यहां दुमू पुलिस स्टेशन में वापस लेके आया। और ये दोनों जो बंदा है मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, एक है उनका नाम है श्री केदर शाह 41 ईयर्स सन ऑफ श्री नरेश शाह, ये रहने वाला है बगलपुर बिहार का। और उसका दूसरा साथी है वो अमर कुमार 35 ईयर्स सन ऑफ ओम प्रकाश शाह, ये भी बगलपुर बिहार का है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे घटना यहां हमारा द्विमुख में नहीं बल्कि अरुणाचल सारा अरुणाचल में जगह जगह में ऐसे घटना घट रहा है। कुछ कुछ लोग शर्म का वजह से
पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता है। मैं जितना भी मेरा जो अरुणाचल एज ए होल पर्टिकुलरली हमारा पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के जितना भी जो निवासी है, मैं आप सबसे फिर से मैं आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे लोग, बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो बेंडर्स का तौर में जो आपको घर घर में जाएगा, सिलेंडर बनाता है, बर्तन साफ करता है, या कुछ LIC का नाम में कुछ कुछ आके लोग अभी का समय में बहुत लूटपाट कर रहे हैं, हमारे लोगों को मामो बना रहे हैं, हमारा लोगों का जो हार्ट अर्न जो पैसा है, जो गोल्ड चेन है या जो भी चीज है वो लूट के ले जा रहा है। मैं इसीलिए जितना भी मेरा जो हमारे जनता है अरुणाचल का और स्पेशली हमारे पर्टिकुलर हमारे पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का, मैं आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, आप लोग से आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे कोई तत्व आए कि घर में ये साफ करे वो करे, बिल्कुल आप उनका जलसाजा में नहीं आना है। अगर आपका गोल्ड चेन थोड़ा पुराना हो गया तो आप ज्वेलरी शॉप में जाइए, यहाँ नाहरलगन ईटानगर में काफी पड़ा हुआ है, कोई बेंडर्स आएगा वो साफ कर देगा, वो तो आपका मीट उठा के ले जाएगा, हड्डी रख देगा जैसे ये गद्दा यहाँ गद्दा। और ऐसे कोई कहीं भी इंसिडेंट होता है आप पुलिस का साथ में आना है, पुलिस को रिपोर्ट करना है, और साथ में हम जितना भी जो हमारे जनता है कंप्लेनेंट है जो भी है कोई भी केस में कंप्लेनेंट का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनका जो रिलेटिव का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है सहयोग करने में पुलिस को, ताकि आपका साथ कोई दुर्घटना घटे, आपका साथ में कोई ऐसे इंसिडेंट हो, आप एक्टिवली जिस प्रकार से ये केस में हुआ है, जिस प्रकार से कंप्लेनेंट का जो फैमिली रिलेटिव भी इतना सपोर्ट किया है, वैसे अगर हम आगे भी करेगा तो हमारा पुलिस कोई भी चीज हम लोग कोई भी चीज किसी को नहीं बख्शेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। स्पेशली हमारे पापुम पारे जो पुलिस है, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस मामले में, यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटता है, लोगों को मामू बना रहे, जो पे करेंसी का भी घटना बहुत बार हुआ है, उसमें एक 50,000 देगा तो वहां 1,50,000 देगा वो के मामू बनाते, 1,00,000 देगा 3,00,000 ऐसे होके हमारे बहुत से लोग भी फंसा हुआ है, बहुत से लोग अभी केस कोर्ट कचहरी में दौड़ रहा है। और दूसरा अभी ये जो गोल्ड चेन है, बाकी जो गाड़ी जो अरुणाचल में अभी भी बहुत से ऐसे हो कि असम से गाड़ी लेता है, असम का कुछ ऐसा ग्रुप भी है जो गाड़ी को EMI देके फाइनेंसिंग करा के वो गाड़ी निकाल लेता है, वो वहां देता है 5,00,000 या 3,00,000 देके वो गाड़ी को नया नया यहाँ हमारा लोगों को बेचता है, बाद में पता चलता है वो गाड़ी वो तो फाइनेंस का होता है, तो बाद में यहाँ से गाड़ी को जो फाइनेंसिंग जो डिपार्टमेंट है जो वो उठा के ले जाता है, तो ऐसे केसेस बहुत हो रहा है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा हमारा लोगों को, आप लोग किसी के ऐसे जलसाजा में नहीं आना है, जैसे गाड़ी है जो 15,00,000 का 20,00,000 का गाड़ी है आपको 7-8,00,000 में देगा, आप उसको बिल्कुल उसको उसका जलसाजा में नहीं आया, जैसे अभी गोल्ड चेन का बोलो सोना का बोलो जो साफ सफाई घर में आके करेगा वो बिल्कुल उनका जलसाजा में नहीं आना है। अगर आपको साफ करना है कुछ करना है आप प्रॉपर जो रिकॉग्नाइज दुकान में जाइए, रिकॉग्नाइज जो शोरूम में जाइए, उसका बाद आप जो भी काम जो भी डील करना है वो करना है। फेक करेंसी का नाम में कभी भी गलती से अगर वो 50,000 में 1,50,000 देगा, अगर वो 1,50,000 अभी चलेगा तो वो लोग आपको क्यों 50,000 मांगेंगे। इसलिए हमारा लोग बहुत से लोग इनोसेंटली फंस रहा है। मैं फिर से आप लोग का चैनल के द्वारा सबको अपील करना चाहता हूं कि ये सब जालसाजा में ये सब धोखेबाजी के शिकार मत बनिए। थैंक यू।